उम्रा के लोगों के साथ टोरेंट जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, जिस तरीके से बिल्स भेज रही है, जिस तरीके से केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर, तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस चीज के लिए जो है उम्रा के लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। पहले ऐसे उदाहरण घ्यायचं झालं तर भिवंडीला ज्यावेळेस आपण फ्रँचायझी दिलं, आज टॉरेंटने भिवंडीमध्ये अभूतपूर्व बदल केलेला आहे। म्हणजे भिवंडीत इतके कमी लॉसेस होऊ शकतील हे आपल्याला कधीच वाटलं नाही, पण त्यांना त्याचं फ्रँचायझीचं मॉडेलच असं आहे की जोपर्यंत ते लॉसेस कमी करत नाही तोपर्यंत त्यांना पैसेच मिळू शकत नाही। आता मध्यंतरीच्या काळात मागच्या काळामध्ये म्हणजे मुंब्र्याला त्या ठिकाणी, आणि मला तसा सुखद आश्चर्याचा धक्का होता की आमचे मित्र जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः मागणी केली की आमच्याकडे फ्रँचायझी तुम्ही मुंब्र्याला द्या, आणि त्यानंतर मुंब्र्याला फ्रँचायझी आपण सुरू केली। आज मुंब्र्यामध्ये त्या ठिकाणी विजेची क्वालिटी सुधारली, आउटेजेस बंद झाले, वेळेमध्ये त्या ठिकाणी वीज पुरवठा सुरू झाला, आणि हे सगळं होऊन आज तिथले जे लॉसेस आहेत ते लॉसेस देखील कमी झाले, हेच मालेगावलाही झालं। त्यामुळे शासनाची जी पद्धत आता आहे किंवा कंपनीची जी पद्धत आहे याच्यामध्ये जिथे जास्त लॉसेस आहेत तिथे आपण फ्रँचायझी देतो, आणि फ्रँचायझी देत असताना त्याच्यामध्ये एकतर त्यांच्यावर मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट किती केली पाहिजे या संदर्भातलं बंधन असतं, आणि त्यांनी जर ती इन्व्हेस्टमेंट केली नाही आणि ते जर कमी केलं नाही तर त्यांना पैसेच मिळू शकत नाही। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे मॉडेल आता हळूहळू इतर ठिकाणी आपल्याला न्यावं लागेल, त्या मॉडेलचा जनतेलाही फायदा आहे। आज मुंब्रा शहर के अंदर मुस्लिम लीग पार्टी ने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुंब्रा की बेटी फरज शेख ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। किस तरह से सिटिंग MLA मुंब्रा कलवा के उनके ऊपर क्या कुछ बोले वो भी हम आपको बताएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई टोरेंट के मुद्दे पर, क्या कुछ कहा मुंब्रा की बेटी फरज शेख ने मुस्लिम लीग पार्टी के जरिए, आप देखिए हमारी इस खबर में। इतनी फौरी तौर पर आज सबको यहाँ पर बुलाने का मकसद कुछ ये है कि कल जो हमारे डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है फडणवीस साहब ने, उन्होंने अपने विंटर सेशन यानी नागपुर में जो चल रहा है वहाँ पर उन्होंने सेशन में बताया कि उनके जो दोस्त है जो हमारे यहाँ के MLA हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने जो है मांग की थी कि हमारे यहाँ पर जो है टोरेंट की जो है उन्होंने मांग की, उन्होंने साफ शब्दों में इस चीज़ में इसमें कहा है अपने वीडियो में। तो जब मुस्लिम लीग ने इस बात का प्रूफ भी दे चुकी थी इससे पहले कि टोरेंट पापड़ ने 2 करोड़ रुपए जो है वो NCP पार्टी को ऐसा फंड दिया है, और ये बात आज प्रूफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं टोरेंट पावर को मुंब्रा में लाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ NCP पार्टी है और जितेंद्र आव्हाड है, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है यहाँ पर मुंब्रा में जो है वो टोरेंट पावर आई है। तो बोलने का आज यहाँ पर सबको बुलाने का और जागरूक करने का मकसद ये था कि आप तो समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप अब ये देखिए 12 साल आप इस शहर में आपको 12 साल जो है MLA बना के दिया, आपका तीसरा टेन्योर यहाँ पर चल रहा है, 12 साल से आप यहाँ पर जो है MLA की पद पर हो यहाँ से, और आपने क्या दिया मुंब्रा वालों को, आपने उसके एवज में आपको उनको कुछ ऐसा देना चाहिए था जो उनके वेलबींग के लिए हो, उनकी अच्छाई के लिए हो, लेकिन आपने क्या किया, टोरेंट से हर घर परेशान है, मैं ये मानती हूँ हर घर परेशान है, और इनके लोग क्या कहते हैं 0% लाइट जाती है, अभी भी यहाँ पर जो है 2 घंटे से लाइट नहीं थी, आप कहते हो 0% लाइट जाती है, और यहाँ पर लोग मतलब NCP वाले कहीं ना कहीं जो है वो टोरेंट पावर को प्रमोट कर रहे हैं, NCP पार्टी जो है वो टोरेंट पावर को प्रमोट कर रही है। और दूसरी बात ये कि आपको ये नहीं दिख रहा कि लोग कितने परेशान है, लोग आज आप यकीन नहीं मानेंगे हम इस कार्यालय में बैठे हैं, हम एवरी मंडे ट्यूसडे यहाँ पर बैठते हैं, टोरेंट से परेशान जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपनी अपनी परेशानियों को बोलते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे डायलिसिस पेशेंट है या सिंगल ब्रेड अर्नर है जो फैमिली की, वो यानी लड़की है वो पढ़ भी रही है, जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, और अचानक से उनके ऊपर बताया जाता है कि आपको जो है वो 2.5 लाख रुपए भरने विजिलेंस के, कि अचानक से एक बच्ची पे जो है इतना भार आ जाता है, किस तरीके से लोग करेंगे। तो विजिलेंस क्या काम कर रही है, मतलब क्यों 2.5 लाख रुपए भरने लगा है उनको, क्या कैसे होता है, मैं क्या कहती हूँ कि चोरी करना गलत बात है, ये हम ये एक एथिक है और अपना इस्लाम भी हमें ये सिखाता है गलत है, लेकिन आप उसकी सजा ऐसी दो कि लोग जो उसको बेयर कर पाए, फेस कर ले। आप जो है वो 2.5 लाख रुपए सडनली दे दोगे और अपने अगर ये नहीं
तो आपके ऊपर FIR होगा। ये आप तो सीधा सीधा धमकी दे रहे हो लोगों को कि आप ये नहीं करो तो ये, मतलब दोनों तरफ से आगे खाई पीछे कुआं, आप कुछ भी करो आपको जो है वो जाना ही है नीचे। ये धमकी लोगों को ना मिले तो मुस्लिम लीग पार्टी और मुमरा की बेटी फरज शेख क्या करेगी, उस धमकी को किस तरह से सुलझाएगी? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली जितने भी लोग हमारे पास आए हमने पूरी कोशिश की, और अब तक हम लोगों ने MERC में इसके खिलाफ कंप्लेंट भी डाली है, कंज्यूमर फोरम में भी लोग जो है हम लोगों ने इसके खिलाफ कंप्लेंट डाली है कि लोगों के ऊपर जो है टेम्परिंग का, बिजनेस का और PD का और इस तरीके के अन्य जो मसले है उसके ऊपर जो है लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और मीटर अच्छे होने के बावजूद भी चेंज किया जा रहा है, तो हम लोगों ने इनसे जो है कंप्लेंट डाली है टोरेंट के खिलाफ। तो ये सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ये काम किया है कि उनके लिए उनको ऑफिशियल जो है हम लोगों ने कंप्लेंट डाला है उस चीज़ की। दूसरी बात ये है कि हमने ये प्लान भी किया है कि अगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे तो पूरी तरीके की सेटिंग लगती है। आप ये देखिए ना, अगर टोरेंट इतना बोल्डली काम कर रही है तो किसके पद में कर रही है, कौन इनको इतना सपोर्ट कर रहा है, और पुलिस इनके एक बुलाने पे आ जाती है, और पुलिस आती क्यों है, पुलिस को किसका सपोर्ट है, मतलब हर कोई। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो है ये तीनों NCP ने हर टोरेंट और इसको पुलिस को मैनेज करके चल रही है लोग, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इसी की जगह अगर मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर या मुस्लिम लीग का MLA होता तो हम उसको कहते थे कि आप जो है वो ऐसा ना करें, पुलिस पर हमारा कंट्रोल होता, हम ये कहते थे कि आप ये ना करते हुए उनको जो है सहूलत दें, आप उनको सहूलत दीजिए कंज्यूमर्स को कि आप जो है अगर आपके पास ऊपर टेम्परिंग का केस है, किसी भी तरह का केस है, तो आप उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन दीजिए उस चीज़ के लिए। आप सीधा अगर ये आप करोगे तो आप आधे से ज़्यादा मुमरा के लोगों को क्रिमिनल बना रहे हो, मुमरा की क्या छवि रह जाएगी दूसरे शहरों पर। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र शासन के, उन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ उनका, उसके बाद आप एक्टिविटी में आ गए, आपको मुद्दा मिला, आने वाले समय में और मुमरावासी, क्योंकि ये कौसा मुमरा बहुत ही अमन और शांति का शहर था, आज एक टोरेंट के जरिए विजिलेंस भी देखेंगे मुमरा की जनता। देखिए विजिलेंस को देख रही है जो मुमरा के लोग हैं, विजिलेंस के अलावा और भी बहुत सारे, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, उन लोगों को पता भी नहीं होता है। वो लोग जब बिल भरने जाते हैं तब उनको बोला जाता है कि जब उनका कंज्यूमर आपके ऊपर PD का इतना इतना चार्जेस है, आपको PD का 1.5 लाख रुपये भरना है और इसका 50,000 भरना है, ऐसे ये नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पास किसी तरीके का केस है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो सिटिंग MLA है वो मुमरा की जनता से माफ़ी मांगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने ये जो किया है मुमरा के लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये तो बोलते हैं ना घर का बेदी लंकट आएगी, इस तरीके का हिसाब हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है सबसे पहले वो मुमरा के लोगों से माफ़ी मांगे, उसके बाद जो है वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उनके इस्तीफा की मांग करती है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो लोगों की वेलबीइंग के लिए नहीं है, आपने उनको परेशान करने का काम किया है, आपने जो है यहाँ का मुमरा के लोगों का मुमरा का नमक खा के उनसे जो है वो उनके लिए वैसा काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। तो आपने जो मैं कहूँगी कि आपने बेसिकली गद्दारी वाला काम किया है, मुमरा के लोगों के साथ गद्दारी की है, आपको तो शहर के गद्दार का टाइटल मिलना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो रहनुमा बोलना चाहिए था लोग, लेकिन आज आपको लोग गद्दार बोल रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए और आपको इस शर्मिंदगी से मुझे लगता है आपको इस्तीफा जरूर देना चाहिए। और मुझसे पहले जो रह रहे थे अगर उनसे अगर कुछ टेम्परिंग हुई है मीटर में या कुछ छेड़छाड़ हुई है या कुछ, तो उसका भी जुर्माना मुझे भरना है, क्योंकि मीटर जो है वो प्रेमाइस पे लगते हैं, ओनर पे नहीं लगता है, जो प्रेमाइस है उसमें लगे जाते हैं, तो जो पिछले लोगों ने किया उसका भी आपको भरपाई करनी है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कई कितने कितने लाखों बिल जो है वो लोगों के ऊपर आ चुके हैं। तो आपने अगर सुना होगा कि वो वीडियो में बाकायदा उन्होंने कहा है कि भिवंडी में तो वो टोरेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है वसूल, अब मुमरा में भी अच्छा जो है वो वसूल हो रहा है। अब ये बताइए इस वीडियो पे यहाँ के सिटिंग MLA ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये 6 साल पुराना वीडियो है। अरे भाई टोरेंट को ही आके यहाँ पर 2 साल हुए, आप कैसे बोल सकते हो कि 6 साल, अगर 6 साल पुराना होता तो फडणवीस साहब कैसे बोलते थे कि टोरेंट मुमरा में अच्छा काम कर रही है। अरे कुछ तो लॉजिकली बात करो, कुछ तो बोलो, सच बोलो, इतना तो कोई भी पकड़ लेगा आपको। और मुझे ताज्जुब है इस बात पे कि अगर जिन लोगों ने नहीं पकड़ा, लेकिन 2 साल हुआ है टोरेंट को, अगर आप बोलते 6 साल, आपने ऐसे काम किए हैं कि शायद ही मुमरा की जनता आपको माफ करेगी इस चीज के लिए। क्योंकि ये लोगों ने क्या कहा कि इन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जिसका जो मन आता है वो कहता है,
ये इलीगल बिल्डिंग में रहता है, इलीगल कनेक्शन यूज करता है, फिर भी मुझे ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मतलब उन्होंने इस तरीके का एक वीडियो भी जारी किया था। अरे ये जब इलीगल बिल्डिंग बन रही थी तो आपके ही तो कार्यकाल में बनी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, आपके नगर सेवक क्या कर रहे थे? किसी ने जाके बोला वहां पर महासभा में या किसी ने भी आवाज उठाई कि हमारे जो है वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बन रही है, इलीगल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आपने भी तो इलीगल काम होने दिया ना, आपने इलीगल काम होने दिया और आज आप ही बोल रहे हो कि इलीगल में रहते हो, ये करते हो, इलीगल पानी यूज करते हो, इलीगल बिजली यूज करते हो। करने की दिया किसने? आपने ही दिया ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताइए, यहाँ पर अगर आपने मांग की कि हमको यहाँ पर फ्रेंचाइजी चाहिए या हमको टोरेंट चाहिए, टोरेंट ने जिस तरीके का काम किया है, आपको चाहिए था कि आप जो है महासभा में इसके लिए आवाज उठाए। इनके नगर सेवक तो कुछ बोलते नहीं है, ये हमने पिछली बार ही बता दिया था। इनके एमएलए ही नहीं बोलते तो ये नगर सेवक क्या बोलेंगे? इनके एमएलए ने भी तो कभी अपनी असेंबली में आवाज नहीं उठाई और कभी ये नहीं कहा कि भाई टोरेंट से हमें ये दिक्कत है, टोरेंट से हमें ये परेशानी है, टोरेंट के लिए कभी उन लोगों ने मुमरा के हित में आवाज नहीं उठाई। तो ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपने भी कभी असेंबली में ये बोलने की कोशिश नहीं की, आपने भी चाहा कि मुमरा के लोग जो है वो टोरेंट से टोरेंट को फेस करे और मुमरा से जो है वो अच्छा खासा अमाउंट है। फिर तो इतने रूमर्स, आप इसको रूमर्स बोलेंगे या सच है ये किस तक को पता नहीं, लेकिन ये भी बात सामने आई थी जब टोरेंट आई थी तो किसको कितने परसेंट मिल रहे हैं, किसको क्या कितने परसेंट, फिर तो ये सारी बातें भी सच साबित हो जाएगी कुछ दिनों में कि आपने भी या किसी ने भी जो है वो कुछ ना कुछ लिया होगा, तभी तो वो इतनी अच्छे से जो है टोरेंट यहाँ पर इतनी निडरता से काम कर रही है। जनता को, मुमरा शहर वासियों को आखिरी संदेश फरज शेख, मुमरा की बेटी क्या देगी टोरेंट को लेके, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी अपनी भावना व्यक्त की, उसके बाद में अब जनता आपसे कैसे जुड़ेगी? देखिए हम चाहते थे कि बहुत लोगों ने हमसे कहा है कि इतना मस्ते होते हैं टोरेंट के, फिर भी लोग जो है वो सड़कों पे आ नहीं रहे हैं। ये देखिए हर किसी की मसरूफियात होती है और हर किसी की प्रायोरिटी होती है, लेकिन हम लोग जो है इसको एक दूसरे तरीके का एक अलग रूप दे सकते हैं। अगर आप रस्ते पे उतर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो है नॉन कोऑपरेटिव, हम लोगों ने एक टर्म जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ चुका है स्कूल टाइम में, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, यानी ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए उनके साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करना है, उसी तरीके से हमको एनसीपी स्पेशली जितेंद्र अवार्ड के साथ और टोरेंट वालों के साथ किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करना है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के बाहर के जो माल आते थे हम उसको बायकॉट करते थे, उनके खानों को बायकॉट किया हमने, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने बायकॉट किया था उस वक्त आज़ादी पाने के लिए, तो अब यह आपके ऊपर लाजिम है कि अगर आपको टोरेंट से आज़ादी चाहिए तो आपको इन सभी चीज़ों का बायकॉट करना पड़ेगा। अगर एनसीपी वाले कहीं पर कैंप लगाते हैं मत जाइए उस कैंप में, किसी भी तरीके का कैंप हो, चाहे मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट का हो, किसी भी तरीके का कैंप हो या किसी भी तरीके, आप सीधा उसको मना कर दीजिए कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, उसका बायकॉट, नहीं जाना ही नहीं है हमको वहाँ पर, ठीक है। अगर टोरेंट वाले आपके यहाँ पर आते हैं आप उसको अपने प्रेमाइस को, यानी अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी के जो जहाँ पर मीटर बॉक्स होते हैं आप उसको लॉक कर दीजिए, हमको नहीं दिखाना है, आप सीधी जंग छेड़ दीजिए। आप जंग का मतलब ये होता है कि आपको तलवार चाकू लेके नहीं रस्ते पे आना है, आपको शांतिपूर्वक काम करना है, क्योंकि आज जो है वो जंग का जो मीनिंग है ना वो चेंज हो चुका है, पिछले टाइम पर जो कुछ और था आज़ादी के टाइम पर, लेकिन इस वक्त जो है वो जंग का मतलब बदल चुका है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से आज जंग का मतलब बदल चुका है। तो अब इस तरीके से लोगों को जो है, हम लोगों को जो है एहतजाज करना है। 2023 चार दिन के बाद शुरू हो जाएगा, जनता को किस तरह से आप मुबारकबाद देंगे नए साल की? सारे मुमरा वासियों को जो है वो कुछ दिनों में नया साल चालू हो जाएगा, उसकी सबसे बहुत बहुत मुबारकबाद रहेगी आप सभी को, उसी की तरफ से और फैज शेख की तरफ से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस नए साल के साथ मुमरा के लोग जो एक नया रेजोल्यूशन, एक ऐसा रेजोल्यूशन, यानी अब जो आपने 12 साल 15 साल फेस किया अब आपको वो फेस नहीं करना है, आपकी आने वाली जनरेशन वो फेस नहीं करेगी। तो आपको ये प्रण लेना है, आपको ये रेजोल्यूशन लेना है कि आने वाले चुनाव, जितने भी चुनाव रहेंगे चाहे वो कोई भी हो, आपके पास आए आप उनको सवाल करेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे और उनसे पूछेगा हर कोई, जैसे कि हमारे एक सहयोगी भाई ने बताया, आप जब भी वोट देने जाएंगे तो आपका टोरेंट का बिल आपके साथ आप लेकर जाएंगे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि ये जो पिछली जो पार्टी रह चुकी है उन्होंने कितना गलत किया है, हर घर जो है इससे जो है वो मुतासिर हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार आप ये रेजोल्यूशन लें कि जितने भी एनसीपी के
अगर आपके पास अधिकारी आएंगे, आप उनसे बोलेंगे कि आपने उनके लिए 12 साल 15 साल में क्या काम किया, आप उनसे सवाल करेंगे, ये एक नया रेजोल्यूशन मैं चाहती हूँ कि मुमरा के लोग करें, क्योंकि यही सवाल जो है आपकी आपके शहर की जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।